भावलपुर में गंदम चोरी का इल्जाम, जेल में कैद पीटीआई रहनुमा शहरयार आफरीदी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई के साबिक विफाकी वजीर शहरयार आफरीदी समेत मकामी रहनुमाओं के खिलाफ गंदम चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मॉडल टाउन के रिहायशी की दरख्वास्त पर भावलपुर के थाना डेरावर में मुकदमा दर्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया कि इसने नवाब खानदान से एक एग्रीमेंट के तहत रकबा हासिल किया था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। इस पर गंदम की फसल काश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा दीगर साथियों के हमरा उनकी गंदम की फसल साबिक वजीर शहरयार आफरीदी की सरपरस्ती में जबरदस्ती उठा ली। 110 थैले गंदम की मालियत 4 लाख रुपए थी, जबकि उनके मजदूरों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। थाना डेरावर की पुलिस ने शहरी की दरख्वास्त पर साबिक वजीर दाखिला शहरयार आफरीदी समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हैं कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसके ऊपर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा, इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। आपने इंतखाब सही कर लिया, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह, मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।